देखें, दो चीज़ें तो डायरेक्ट हमारे सिलेबस में हैं, एक कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, और दूसरी चीज़ जो हमारे सिलेबस में है वो है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, यानी कि SFP या SOFP, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। और एक चीज़ और एडिशनल है कि अगर एक सब्सिडरी को बेच दिया जाए तो डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी पे गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। ये प्रीवियसली FR के पेपर में नहीं होती थी, F7 के पेपर में नहीं होती थी, बाद में ऐड कर दिया गया इसको कि डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी भी कवर कर। अच्छा, FR के पेपर में हमारे पास एक सब्सिडरी आ सकती है पेरेंट के साथ और एक एसोसिएट आ सकती है। तो सब्सिडरी और एसोसिएट का बेसिक फर्क ये होता है कि सब्सिडरी कंपनी को हम कंसोलिडेट करते हैं, लाइन बाय लाइन अपने साथ मिलाने को कहते हैं कंसोलिडेट करना। लेकिन एसोसिएट के लिए हम कंसोलिडेशन नहीं करते, बल्कि एसोसिएट के लिए हम इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ लाइक कि उसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए अंडर IAS 28 इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, सब्सिडरी कौन सी कंपनी होती है? सब्सिडरी हर वो कंपनी होगी जिसमें पेरेंट का कंट्रोल होगा, और कंट्रोल आता किसके ऊपर है? कंट्रोल आता है जब हम किसी कंपनी के मोर देन 50% ऑर्डिनरी शेयर्स एक्वायर करें। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं आता, ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर कंट्रोल आता है, यानी कि मेजॉरिटी शेयर्स हम एक्वायर करेंगे। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है और मेजॉरिटी उसके पास आ जाए तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास क्या आ गया, कंट्रोल आ गया, और कंट्रोल जिस कंपनी में आ जाएगा वो हमारी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। इसी तरीके से एसोसिएट कौन सी कंपनी बनती है? एसोसिएट हर वो कंपनी होती है जिसमें कंट्रोल तो नहीं होता, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल होगा तो वो सब्सिडरी बन जाएगी। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए कितने शेयर्स होने चाहिए? मोर देन 20 से लेकर 50% तक, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वरना कंट्रोल आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो सब्सिडरी बन रही है। 50% या उससे कम कर रहे हैं लेकिन मोर देन 20 कर रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ रहा है और वो एसोसिएट बन रही है। तो अगर लेस देन 20 हुआ तो क्या होगा? तो वो सिंपल इन्वेस्टमेंट होगी, उससे ना हमारे पास कोई सब्सिडरी वाला स्टेटस आएगा और ना हमारे पास कोई एसोसिएट वाला स्टेटस आएगा अप टू 20% के ऊपर। अच्छा, पेरेंट कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करेगी, चाहे वो सब्सिडरी बना के करे, चाहे वो एसोसिएट बना के करे, ये सिंपल इन्वेस्टमेंट करें, पेरेंट की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एज अ फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड होगा अंडर IFRS 9। IFRS 9 में हमने पढ़ा है ना कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसको या तो हम FVTPL पे रिकॉर्ड करते हैं या FVTOCI पे रिकॉर्ड करते हैं। तो पेरेंट चाहे 1% शेयर्स खरीदे या 50 खरीदे या 99% खरीदे या पूरे 100% खरीद ले, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा स्टैंडर्ड चल रहा होगा? IFRS 9 चल रहा होगा। लेकिन ग्रुप अकाउंटिंग के लिए, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, फिर हम मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। सब्सिडरी की बात करेंगे तो हमारे पास IFRS 3 एक्टिव हो जाएगा, हमारे पास IFRS 10 एक्टिव हो जाएगा सब्सिडरी के लिए। एसोसिएट की बात करेंगे तो हमारे पास IAS 28 एक्टिव हो जाएगा, और सिंपल इन्वेस्टमेंट पे तो लगता ही IFRS 9 है। अच्छा, पेरेंट अपनी हर सब्सिडरी को कंसोलिडेट करेगा, लाजमी है, मैंडेटरी है, और एसोसिएट को अपने साथ मिलाएगा लेकिन कंसोलिडेट नहीं करेगा, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग करेगा। अब दो चीज़ें, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा। कंट्रोल के अंदर कुछ और चेंजेस हैं, कंट्रोल बाज दफ़ा लेस देन 50 पे भी आ जाता है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे।
कि कंट्रोल की डेफिनेशन क्या होती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या होती है। अभी सबसे पहला हमारा काम है हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड SFP। कंसोलिडेटेड SFP कैसे बनाएंगे? तो कंसोलिडेशन का सिंपल सा मतलब तो यह है कि हम पेरेंट और सब्सिडरी के रिजल्ट्स को क्या कर दें, आपस में कंबाइन कर दें। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करेंगे, पेरेंट की बैलेंस शीट को और सब्सिडरी की बैलेंस शीट को कंबाइन कर देंगे। लेकिन पहले हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, वन बाय वन एक एक करके स्टेप्स फॉलो करेंगे तो वो चीज़ें निकलेंगी जो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी। पहला स्टेप जो हमारे पास होगा उसमें हम हमेशा आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है। ग्रुप स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमारे पास सब्सिडरी है तो उसमें हमारी शेयर होल्डिंग कितनी है, NCI कितना है, हमारे पास अगर कोई एसोसिएट है तो उसके अंदर हमारी होल्डिंग कितनी है, ये हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर सबसे पहले आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद हम निकालेंगे कि पेरेंट ने जो शेयर्स खरीदे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये हर सवाल में निकालनी पड़ेगी। अच्छा, F3 के लेवल के ऊपर ना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ें दी जाती थी, कैश कंसिडरेशन दी जाती थी विच इज़ द ईजीएस्ट, कि सब्सिडरी को आपने एक्वायर किया और 1 मिलियन की पेमेंट कर दी कैश कंसिडरेशन, या फिर शेयर एक्सचेंज दिए जाते थे कि पेरेंट ने उसके शेयर्स एक्वायर किए और उसको अपने शेयर्स दे दिए, शेयर एक्सचेंज हो जाता था। यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें और आएंगी, लोन नोट इशू भी हो सकते हैं या फिर पेमेंट डेफर भी की जा सकती है, जिसको कहा जाता है डेफर्ड कंसिडरेशन, या फिर इस तरह से पेमेंट डेफर की जा सकती है कि उसको हम किसी चीज़ के साथ कंडीशनल कर दें, जिसको कहा जाता है कॉन्टेजेंट कंसिडरेशन। यानी कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत वाइडर है, और एग्जामिनर इसके अंदर जब भी बैलेंस शीट बनवाएगा तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में फंसाएगा। तो हमें इन पांचों एरियाज के बारे में पता होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने के बाद अगला स्टेप हमारा आता है, और उस अगले स्टेप के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन। हो सकता है ये सवाल में गिवन हो, अगर सवाल में गिवन नहीं होगी तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर 80% शेयर्स पेरेंट के पास हैं तो जो 20% शेयर्स NCI के पास हैं उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में पहुंचेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें आइडेंटिफाई करना है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी। जब हम सब्सिडरी को एक्वायर करेंगे तो उस डेट के ऊपर हमें सब्सिडरी के जितने भी नेट एसेट्स हैं उसकी फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, यानी कि मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर पेरेंट ने अपने एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर रिपोर्ट नहीं किया तो पेरेंट की जिम्मेदारी है कि पेरेंट उसके एसेट्स को फेयर वैल्यू पे आइडेंटिफाई करेगा। और उसके बाद फिर अगले स्टेप के अंदर, पांचवें स्टेप के अंदर हम अपनी मेन चीज़ पे पहुंचेंगे विच इज़ हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने सीखेंगे अगले स्टेप के अंदर। ये सारा स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है। गुडविल निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फुल गुडविल मेथड और दूसरा कहलाता है प्रोपोर्शनेट मेथड। इसका डिफरेंस हम देखेंगे कि फुल गुडविल मेथड में गुडविल कैसे निकाली जाती है, प्रोपोर्शनेट मेथड में गुडविल कैसे निकाली जाती है। गुडविल निकालने तक का प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्जाम में सिर्फ बैलेंस शीट दी जाएगी तब तो गुडविल मस्ट है, लेकिन अगर एग्जामिनर को इनकम स्टेटमेंट बनवाना होता है तब भी वो पहले कहता है कि गुडविल निकाल के दो, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाओ। तो गुडविल इज़ अ काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अगर सेक्शन सी में CRQ में ये नहीं भी आता फॉर एग्जाम्पल तो MCQs के अंदर तो ये आना ही आना है, कुछ ना कुछ MCQs तो इसके होंगे। गुडविल कैलकुलेट करने के बाद हम पेरेंट सब्सिडरी और एसोसिएट के दरमियान जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं ना जिन्हें हम इंट्रा ग्रुप का नाम दे देते हैं, वो एडजस्टमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, उसका अफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके अंदर जो मेनली एडजस्टमेंट आएंगी वो आएंगी इंट्रा ग्रुप सेल्स हो गई, इंट्रा ग्रुप सेल्स हो गई, इंट्रा ग्रुप इनकम हो गई, इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड हो गया,
उसको कैसे डील किया जाए। इंट्रा ग्रुप लोन एंड इंटरेस्ट हो गया, इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर ऑफ एसेट हो गया, इस तरह की एडजस्टमेंट। इंटर कंपनी रिसीवेबल्स पेएबल्स हो गए, आपस में जो पेरेंट कंपनी के रिसीवेबल्स पेएबल्स हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए वो फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स, कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व्स निकालेंगे, कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की बैलेंस शीट वैल्यू निकालेंगे। याद रहे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की एक एक्विजिशन की फेयर वैल्यू हमारे पास होगी, इसकी बैलेंस शीट वैल्यू निकालेंगे। बैलेंस शीट में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की क्या वैल्यू पोस्ट की जाएगी। और उसके बाद फाइनली हम प्रिपेयर करेंगे SOFP यानी के कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। अच्छा, एसोसिएट की एडजस्टमेंट मैंने इसमें नहीं डाली, एसोसिएट आएगा तो एसोसिएट को फिर अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है बैलेंस शीट बनाने की, 1 बाय 1। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है ग्रुप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। सपोज एक कंपनी है ए, उसने एक कंपनी बी के 70% शेयर्स एक्वायर की, तो हम कहेंगे कि एनसीआई जो होगा वो होगा 30%। पेरेंट के पास 70% शेयर्स हैं बी के और एनसीआई के पास बी के 30% शेयर हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ एक एसोसिएट भी दे दिया जाए। ए ने बी के 80% शेयर्स एक्वायर किए, फिर ए ने सी के 30% शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो अब हमारे पास एक सब्सिडरी आ गई और एक एसोसिएट आ गई। ये आपका ग्रुप स्ट्रक्चर होगा। इस ग्रुप स्ट्रक्चर में फुल ईयर एक्विजिशन का ख्याल रखना है, साल के बिगिनिंग में एक्विजिशन हुई है, या बाज दफा क्या होता है कि मिड ईयर एक्विजिशन हो जाती है जो कि चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देती है। साल के बीच में हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया, इन दोनों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन। जो पेरेंट ने शेयर्स एक्वायर किए हैं उसके अगेंस्ट पेरेंट को कंसिडरेशन पे करनी है, और वो कंसिडरेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पेरेंट अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेगा, लेकिन वो जो शेयर्स खरीद रहा है ना उसके अगेंस्ट उसको जो कंसिडरेशन पे करनी है वो कंसिडरेशन वो कैसे देता है? नॉर्मली वो कंसिडरेशन मिक्स ऑफ होती है, कोई सिंगल मेथड नहीं होता। कुछ कैश हो जाता है, कुछ शेयर्स दे देते हैं, कुछ डेफर्ड कर देते हैं। तो 1 बाय 1 हम उसको देखते हैं कि अगर कैश कंसिडरेशन होगी, मसलन हमने सब्सिडरी के शेयर्स एक्वायर किए और उसे 1 मिलियन पेमेंट कर दी, तो अकाउंटिंग कैसे होगी? पेरेंट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा इन्वेस्टमेंट डेबिट जो भी उसने पेमेंट की होगी, और बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये एंट्री जो पास हो रही है पेरेंट की बुक्स में पास हो रही है। और अगर शेयर एक्सचेंज होते हैं तो शेयर एक्सचेंज का मतलब ये हुआ कि हम सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं कि भाई हमारे शेयर्स आप ले लो, हम आपके शेयर्स ले रहे हैं, हम आपको कैश नहीं देंगे, लेकिन एक काम करो आप हमारे शेयर्स ले लो, अपने शेयर्स को हमसे एक्सचेंज कर लो, बदले में आपको हमारे शेयर्स मिलेंगे, आपको और ज़्यादा फायदा होगा, हमारी शेयर प्राइस और ज़्यादा हाई है, आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब इस शेयर्स के अगेंस्ट हमें जो एंट्री पास करनी पड़ेगी ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इन्वेस्टमेंट को तो डेबिट करेंगे जो भी टोटल वर्थ बनती है, जितने शेयर्स पेरेंट इशू करेगा पार वैल्यू से कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और पार वैल्यू से जो अबव वैल्यू होगी उसको हम उठाकर डाल देंगे शेयर प्रीमियम अकाउंट में। तो ये पेरेंट को अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी जो शेयर्स पेरेंट ने इशू किए हैं। अब ये निकालेंगे कैसे, इसके स्टेप्स कैसे हैं, ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय पेरेंट कंपनी, या तो सवाल में गिवन होंगे या फिर परसेंटेज वाइज गिवन होंगे।
पेरेंट ने, फॉर एग्जांपल सपोज पेरेंट ने 50,000 शेयर्स एक्वायर किए सपोज, फिर दूसरे नंबर पे निकालेंगे कि पेरेंट ने इन 50,000 शेयर्स के अगेंस्ट अपने शेयर्स कैसे दिए। तो शेयर्स इशूड बाय पेरेंट, उसके लिए एग्जाम में आपको टर्म दी हुई होगी जैसे 1 for every 5 लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हर 5 जो हमने उनसे एक्वायर किए हैं उसके अगेंस्ट हम अपने 1 शेयर्स देंगे। तो 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड, हर 5 के अगेंस्ट अपना 1, तो हम कहेंगे हमने 10,000 शेयर्स इशू किए। ये इशूड आ गए। अब इन इशूड की वैल्यू निकालनी होगी, वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये शेयर्स किस कंपनी के हैं, ये पेरेंट कंपनी के हैं, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय पेरेंट कंपनी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर प्राइस ऑफ पेरेंट कंपनी। तो उस डेट के ऊपर शेयर प्राइस चल रही होगी, तो हमारे हाथ में आ जाएगी वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बन जाएगी इन्वेस्टमेंट, तो उस वैल्यू से इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स जो पार वैल्यू पे हुए हैं उससे कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, और सरप्लस जो होगा वो हमारा चला जाएगा प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ टेक्निकली कभी भी कोई सवाल हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा माइंडसेट यही होगा कि हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अपने नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर निकालने, उसके बाद उसको जो शेयर्स हमने इशू किए हैं वो निकालने हैं, और उसके बाद फिर हमें उसकी वैल्यू प्लेस करनी है, और उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तीसरा तरीका, हम लोन नोट इशू कर सकते हैं, उससे शेयर्स लिए और उसको अपने लोन नोट दे दिए। अब लोन नोट इशू करने का मतलब ये है कि सब पेरेंट कंपनी अपने ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो उससे कह रहे हैं लाओ तुम शेयर होल्डर्स का स्टेटस खत्म करो अपना और हमसे ये लोन नोट ले लो, हम तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट कैश का दे देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री पास होगी वो होगी इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करने के बजाय हम लोन नोट पेबल को क्रेडिट करेंगे। कितने शेयर्स के अगेंस्ट कितने लोन नोट एक्सचेंज हुए वो इन्फॉर्मेशन हमें सवाल में बताई जाएगी कि जी इतने शेयर्स हमने लिए थे और इतने लोन नोट हमने इशू किए थे, तो हम उसको वहां से एडजस्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स सॉल्व अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि सवाल कैसा आता है और कितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, मुझे जो डेटा चाहिए होगा ना वो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल चाहिए होगा, और पेरेंट ने उसको किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर इशू किया है वो चाहिए होगा। ये मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट उठा लिया क्वेश्चन नंबर 406 का। देखें, ऑन 1st October 2022 पैराडाइम एक्वायर्ड 75% शेयर्स, तो 75% शेयर्स हमने सब्सिडरी के एक्वायर किए। अच्छा, ये है पेरेंट यानी कि पैराडाइम, और ये है सब्सिडरी। तो सब्सिडरी का पहले हमें शेयर कैपिटल देखना है कितना है, $20,000, और पार वैल्यू है 1, नंबर ऑफ शेयर्स भी 20,000 हुए, तो इस नंबर ऑफ शेयर्स के हमने 75% शेयर्स एक्वायर किए। और कैसे एक्वायर किए, बाय मीन्स ऑफ अ शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 new shares in parent company for every 5 shares acquired in subsidiary, that is 2 for 5 की टर्म्स बनी, 2 for 5। साथ हमने क्या किया, इन एडिशन पी इशूड टू द शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी $100 10% लोन नोट फॉर एवरी 1,000 shares इफ एक्वायर्ड, हर 1,000 शेयर्स के ऊपर उसने $100 का लोन नोट भी इशू कर दिया।
पेरेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड एनी ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, पेरेंट ने अब तक कोई परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं की, तो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू ऑफ पेरेंट्स शेयर एट 1 अक्टूबर वॉज $2 ईच। तो यहाँ पर दो कंसिडरेशन आ गई, एक लोन नोट है और एक शेयर एक्सचेंज है। अब हम शेयर एक्सचेंज ही पहले वर्किंग करते हैं। तो शेयर एक्सचेंज में हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय पेरेंट कंपनी, उसकी परसेंटेज दी हुई है। पेरेंट कंपनी ने कितने शेयर्स एक्वायर किए, 75% ऑफ सब्सिडरी। तो 75% मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो ये आ जाएंगे सर आपके सर पास 15,000 15,000 शेयर्स एक्वायर किए। अब इनके अगेंस्ट हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। तो टर्म क्या थी, 245, हर 5 के अगेंस्ट 2, तो कितने शेयर्स इशू किए, 6,000 शेयर्स इशू किए। फिर तीसरे नंबर पे आ गई आपकी वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो पेरेंट की शेयर प्राइस चाहिए, तो 6,000 शेयर्स पेरेंट ने इशू किए हैं, एक की प्राइस है $2, पार वैल्यू है 1, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 12,000। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, शेयर एक्सचेंज के अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, ये वैल्यू इस शेयर एक्सचेंज की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हमने लोन नोट इशू किए, लोन नोट कैसे इशू किए, $100 फॉर एवरी 1,000 शेयर्स एक्वायर्ड, ये टर्म्स हैं कि तुम्हारे हर 1,000 शेयर्स पर हम तुम्हें लोन नोट देंगे $100 का, जो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो हमने शेयर्स एक्वायर कितने किए, हमने 15,000 शेयर्स एक्वायर किए, तो 15,000 शेयर्स हमने एक्वायर किए, हर 1,000 के ऊपर हम अपने ऊपर $100 की लाइबिलिटी एज्यूम कर रहे हैं, कितना हो जाएगा वैल्यू, सर 1,500 $1,500 के लोन स्टॉक की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। अब हम इसकी एंट्री पास करते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया 12,000 इन टर्म्स ऑफ शेयर्स और एक हो गया लोन नोट 1,500, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 13,500। 13,500 की इन्वेस्टमेंट हो गई, अच्छा लायबिलिटी क्रेडिट हो गई लोन नोट के अगेंस्ट 1,500, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया नंबर ऑफ शेयर इशू किए थे 6,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू थी 1, 6,000 से ये क्रेडिट हो गया, और प्रीमियम जो है वो 6,000 शेयर्स थे और प्राइस थी 2, तो प्रीमियम हुआ 1, ये 6,000 हो गया, ये हमारी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ये शेयर एक्सचेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, ये हमारे पास लोन नोट हो गया, कंबाइन एंट्री पास हो गई, ये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गई कंप्लीट। तीसरा कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट हो गए हमारे, डेफर्ड कंसिडरेशन। अक्सर क्या होता है, जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को एक्वायर करती है तो कहती है कि भाई हाँ हम आपको अभी कुछ दे रहे हैं, कुछ बाद में देंगे। अगर वो बाद वाली वैल्यू बगैर कंडीशन के है तो उसे कहा जाता है डेफर्ड कंसिडरेशन, और अगर वो बाद वाली वैल्यू कंडीशनल हो जाए किसी चीज के ऊपर तो उसे कहा जाता है कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। ट्रीटमेंट तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक्वायर किया, एक्वायर डेट है हमारी 1 जनवरी 2020, और हम ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें पेमेंट करेंगे $2 पर एक्वायर्ड शेयर्स
जितने शेयर्स हमने एक्वायर किए होंगे, तो हर शेयर के ऊपर हम तुम्हें $2 का कैश देंगे ऑन 1 जनवरी 2022। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि हम कितनी पेमेंट करेंगे $2 पर एक्वायर्ड शेयर्स। लेकिन वो पेमेंट हम आज तो नहीं कर रहे हैं, वो पेमेंट तो 2 साल के बाद होगी, जनवरी 21 एक साल, जनवरी 22 2 साल। तो डेफर्ड कंसिडरेशन के साथ कहानी ये होगी कि डेफर्ड कंसिडरेशन की हमें हमेशा पीवी वर्कआउट करनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर दिया जाएगा, डिस्काउंट रेट दिया जाएगा, और हम उस डिस्काउंट रेट के ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। सपोज दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी कैश कंसिडरेशन आगे उसको दे रहे हैं, डेफर्ड अमाउंट दे रहे हैं, उसको पेमेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे $2 लाख पे करना है इन 2 ईयर्स टाइम सपोज, और डिस्काउंट फैक्टर 10% पर एनम है, तो मुझे इसको 2 साल बाद जो वैल्यू है उसको जीरो पे लाना है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो मैं 10% का डिस्काउंट फैक्टर निकालूंगा 2nd ईयर के ऊपर, जो कि टेबल से भी निकल सकता है, फॉर्मूले से भी निकल सकता है, 1 + 0.10 पावर 2, तो ये बन जाएगा 0.826। ये 2nd ईयर का फैक्टर है। तो मैंने 2 साल 2 लाख को मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो 2 लाख मैं 2 साल बाद दूंगा उसकी पीवी आ जाएगी। एंट्री तो मुझे पीवी से पास करनी है, जो भी आज उसकी पीवी चल रही होगी उस पर एंट्री पास करूंगा। फ्यूचर वैल्यू पे एंट्री पास नहीं करते, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे। तो सर 165 200 165 200। सर एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि सर हम पहले साल की क्यों नहीं देंगे, 2 साल की मिला के इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, ये जो कैश फ्लो इनकर्ड हो रहा है ना, ये वो नहीं है कि पहले साल भी 2 लाख होगा, दूसरे साल भी 2 लाख होगा, हम तो देंगे उसे 2 साल के बाद। तो कैश फ्लो सही पड़ा हुआ है 2nd ईयर के एंड पर, उसे उठा के जीरो पे लाना है, तो पीवी फैक्टर 2 साल का लगेगा। ये एन्यूटी फैक्टर नहीं है, सिंपल पीवी फैक्टर है। अब इसकी ठीक है एंट्री सर। पास हो गई आपकी, यानी वो 2 साल बाद 2 लाख रुपए दे रहा है, यानी कि जी उसकी आज वर्थ ये बनती है। तो हमने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया और डेफर्ड कंसिडरेशन को हमने लायबिलिटी बुक कर लिया, क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर ली है ना कि मैं दूंगा। अच्छा, 2 लाख की लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी मैंने बुक की है आज 165 200, लेकिन दूंगा तो 2 लाख ना। तो अब क्या यस होगा, सर। जब भी किसी चीज को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है तो हर साल वो वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वो वैल्यू हर साल बढ़ती है ना, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग में कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंटिंग करके जिसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आया जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अब वो अनवाइंड कैसे निकालेंगे, जब 1 साल मुकम्मल हो जाएगा तो इस 165 की वैल्यू 1 साल के बाद 10% से बढ़ जाएगी, 16520। ये इंक्रीज आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। इस इंक्रीज को मैं इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगा, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, इसलिए इंटरेस्ट में जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, और लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि अकाउंटिंग में जब भी कोई चीज पीवी पे रिकॉर्ड होगी कहीं पर भी, तो उसके बाद उसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू 2 लाख के ऊपर आ जाए। तो 1 साल के बाद वो वैल्यू कितने पे आ चुकी होगी, लाइबिलिटी 165 200 + 16520, तो 1 साल के बाद लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, सर 18 17 20 1817 20। ये 1 साल के एंड पर आ गया। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, ये 181720 पूरा 2 लाख बन जाएगा, जब हम उसको पेमेंट करेंगे 2 लाख की एडजस्टमेंट पूरी हो जाएगी।
अच्छा ये तो इनिशियल अकाउंटिंग हो रही है ना, जिस वक्त हमें गुडविल निकालनी है, तो इनिशियल अकाउंटिंग तो ये है, ये उसकी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग है जो कि ईयर एंड के ऊपर हो रही है। जब भी डेफर्ड कंसिडरेशन आएगा पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी, लायबिलिटी बुक की जाएगी, उसकी इन्वेस्टमेंट बुक की जाएगी, उसके बाद हर साल उसके अंदर क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल एक्विजिशन और बैलेंस शीट में अभी सिर्फ 6 महीने हुए तो 6 महीने का अनवाइंड कैलकुलेट किया जाएगा। 6 महीने का अनवाइंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16520 मल्टीप्लाई बाय 10% पर एनम इंटू 6/12। तो जितना टाइम आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन आगे करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे सही सही पास है जी प्रोपोर्शनेट की लगना जो हम 6 ईयर वाला निकालेंगे, सिक्स हाँ मंथ वाला टाइम निकालेंगे। अपोर्शन करते हैं। अच्छा कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन में और डेफर्ड कंसिडरेशन में ना थोड़ा सा फर्क है बस। फर्क ये कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक्वायर कर रहा हूँ और तुम्हें 2 साल के बाद 2 लाख रुपए दूंगा फॉर श्योर, किसी भी हालत में ऐसा नहीं हो सकता मैं ना दूं, वो तो हो गई पक्की पक्की कमिटमेंट लाइबिलिटी। लेकिन दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ, पेरेंट सब्सिडियरी को कह रहा है कि अगर आपने ये काम कर लिया तो हम 2 साल के एंड पर आपको 2 लाख देंगे। तो वो काम क्या है, वो काम है कंडीशन। अगर आपने इतना प्रॉफिट जनरेट कर लिया तो हम आपको 2 लाख देंगे, अगर आपने इतने ब्रांचेस खोल ली तो आपको 2 लाख देंगे, अगर आपने ये कर लिया तो 2 लाख देंगे। तो क्या उसे रिकॉर्ड किया जाए या परफॉर्मेंस मीट होने का इंतजार किया जाए। तो स्टैंडर्ड कहता है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। और इसको भी किस पे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा ही है डेफर्ड जैसा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन कैलकुलेट की जाएगी, वैसे ही कैलकुलेट की जाएगी जैसे अभी हमने डेफर्ड कंसिडरेशन कैलकुलेट की। और इसके ऊपर भी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट वैसे ही आएगा जैसे ऊपर आया, बट फर्क यह है कि ये इन्वेस्टमेंट डेबिट है तो ये पक्की लाइबिलिटी नहीं है। तो इसको हम पक्की लाइबिलिटी तो नहीं कह सकते, हम कहते हैं प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन। जाएगा ये लाइबिलिटी सेक्शन में ही, क्योंकि प्रोविजन भी लाइबिलिटी सेक्शन में जाता है, जाएगा ये लाइबिलिटी सेक्शन में ही। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी अकॉर्डिंगली इस पर कैलकुलेट होगा। इस फर्क क्या है, एक पक्की पक्की लाइबिलिटी है और एक कंडीशनल लाइबिलिटी है। अगर वो कंडीशन फ्यूचर में मीट नहीं हुई तो वो बात की बात है, क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड। तो ये पांच आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हर सवाल बैलेंस शीट का जो भी आएगा उसके अंदर इस तरह की एडजस्टमेंट करनी। 1 जनवरी 2002 को वी ने 90% शेयर कैपिटल एक्वायर किया जी का इन अ शेयर एक्सचेंज इन विच वी इशू 2 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स इट एक्वायर्ड। तो टर्म क्या बनी, 2 फॉर एवरी 3। साथ साथ उसने कहा है 1 जनवरी को एक्वायर किया है, साथ वो कह रहा है 31 दिसंबर 2002, यानी कि एक साल बाद हम शेयर होल्डर्स ऑफ जी को देंगे 1.76 पर शेयर एक्वायर्ड, पेमेंट करेंगे यानी कि कैश कंसिडरेशन करेंगे, लेकिन वो कैश कंसिडरेशन एक साल बाद होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% पर एनम। डेफर्ड कंसिडरेशन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई, इसका मतलब है उसने शेयर एक्सचेंज तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन डेफर्ड कंसिडरेशन अब तक उसने रिकॉर्ड नहीं की। तो हमें डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड करनी है, शेयर एक्सचेंज की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कितने, 10,000। अच्छा देखो यहाँ लिखा हुआ है इक्विटी एज एट 1 अक्टूबर 2001, और एक्वायर कब कर रहे हैं, 1 जनवरी 2002। तो स्टूडेंट कहेगा ये तो 1 जनवरी की तो वैल्यू ही नहीं है, तो हम अपने पेपर में ये एज्यूम करते हैं कि इक्विटी जो भी दी भी हो वो उस डेट पर भी वही होगी, सेम होगी, इक्विटी में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि ये वैल्यू हम फिक्स्ड एज्यूम करके चल रहे होते हैं कि जो 1 अक्टूबर 2001 पर है ना वही 1 जनवरी 2002 पर होगी। सब्सिडरी ने बाद में कोई नए शेयर इशू नहीं करने। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10,000। अब उस 10,000 में से
हमने कितने शेयर्स एक्वायर किए पेरेंट ने, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय पेरेंट 90%, 90%। तो 10,000 का सबसे पहले हमने निकाला 90%, यानी कि हमने 9,000 शेयर्स एक्वायर किए, ये हमने एक्वायर कर लिए। इस एक्वायर करने के अगेंस्ट हमने इशू कितने किए, उसके लिए टर्म दी हुई है 243 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6,000 शेयर्स इशूड हो गए। अब पेरेंट इसकी वैल्यू निकालेगा, अपनी शेयर प्राइस से इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो 6,000 शेयर्स की पेरेंट की प्राइस चल रही है, वी की प्राइस चल रही है 6.5 और जी की प्राइस चल रही है 2.5। हमें वी की प्राइस चाहिए 6.5, कितनी वैल्यू आएगी? सर 39,000। ये तो शेयर्स के अगेंस्ट वैल्यू आ गई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट शेयर्स। अब आ जाएं डेफर्ड के ऊपर। अच्छा, कंडीशन तो ऊपर उसने कोई नहीं लगाई, उसने कहा हम आपको 1 साल के बाद इतना अमाउंट देंगे, तो ये डेफर्ड कंसिडरेशन है, कॉन्टिजेंट नहीं है। कितना देंगे? 1.76 देंगे पर शेयर एक्वायर्ड। तो हमने शेयर कितने एक्वायर की? हमने शेयर्स एक्वायर किए हैं 9,000, 1.76 का कैश देंगे 1 साल के बाद। थर्टी दिसंबर के ऊपर कितना अमाउंट बनता है? सर 15,840। लेकिन ये तो 1 साल के बाद है ना, हमें तो इसकी पीवी यस निकालनी सर। है। पीवी निकालने के लिए डिस्काउंट फैक्टर है 10% पर एनम, तो डिस्काउंट फैक्टर रेट जो है वो 10% है, तो पहले साल का फैक्टर हमने उसी फॉर्मूले से निकाला, वो आया 0.909। अब पीवी कितनी निकलेगी? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर 909। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? सर 14,398.56। तो ये तकरीबन 14,400 बन रहा है राउंडिंग ऑफ की वजह से, ये इन्वेस्टमेंट हो गई। तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई, शेयर एक्सचेंज की वैल्यू हमारे पास थी 39,000, और डेफर्ड कंसीडरेशन की प्रेजेंट वैल्यू हो गई दिस वन टोटल। सर 53,400। यस सर। अब ये जो 15,840 निकाला है ना, इसमें डेफर, इसमें अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट अभी एक्विजिशन पे तो नहीं आएगा, जब पीएनएल बैलेंस शीट बनेगी तो इसके ऊपर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की हमारी कहानी होगी खत्म। अगली जो स्टेप होगा हमारे पास, वो हम निकालेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। ये उसी सूरत में निकलेगी जब हम फुल गुडविल मेथड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फुल गुडविल मेथड में और प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड में क्या फर्क है? फुल गुडविल मेथड ये कहती है कि आप सब्सिडरी की 100% गुडविल को बैलेंस शीट में शो करें। हम कहेंगे हमने तो 80% एक्वायर किया, हमें तो 80% गुडविल शो करनी चाहिए। तो वो कहते नहीं, फुल गुडविल मेथड का मतलब है चाहे आपने 70 किया हो 60 किया हो, आपको गुडविल टोटल दिखानी है। तो ये कैलकुलेशन उस वक्त आएगी जब हम फुल गुडविल मेथड, हमें सवाल में दिया हुआ होगा कि आप फुल गुडविल मेथड से सॉल्व करें। तो हम एनसीआई की फेयर वैल्यू निकालेंगे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो हमने निकाल ली, अब जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट है जो एनसीआई ने की हुई है उसकी वैल्यू कैसे निकालें? या तो वो गिवन होगी सवाल में, अगर गिवन ना हो तो उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस ऑफ सब्सिडरी। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स सब्सिडरी के पास कितने? सब्सिडरी के नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे
और एनसीआई की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई आ जाएंगे। यानी कि अगर पेरेंट के पास 80% है तो जो रिमेनिंग बचेगा वो किसके पास होगा? वो एनसीआई के पास होगा, उसको शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाली एग्जांपल देखें दोबारा, वी ने 90% शेयर्स एक्वायर की, तो 10% किसके पास है? एनसीआई के पास है। 10,000 का 90% पेरेंट के पास है, 10% यानी कि 1,000 एनसीआई के पास है। तो उस 1,000 की वैल्यू के लिए हमें सब्सिडरी की शेयर प्राइस चाहिए, जो कि हमें कितनी दी हुई है? 2.50। इसी सवाल में हमने ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी निकाल लिया। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी 10,000, एनसीआई का परसेंटेज 10, मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस ऑफ सब्सिडरी। बताएं वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। सर 2,500 आए। 2,500 इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। सो इट्स वेरी इजी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई या तो गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं होगा तो सिंपल इस तरीके से आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब सर एक सबसे चीज है, सवाल जी बोले। सर एक सवाल ये है कि जैसे कि हमने वैल्यू निकाल ली 6,50,39,000, तो सर ने हमने डेफर्ड टैक्स डेफर्ड कंसिडरेशन की क्यों हमने फिर निकाली वैल्यू? तो वो तो पूरी एक वैल्यू बन गई ना किसकी, हमने इतने में खरीदने, तो हम उसकी बाकी वैल्यू क्यों लगा रहे थे जो डेफर्ड कंसिडरेशन की? पेरेंट जब एक्वायर कर रहा है तो उसके शेयर होल्डर्स को उसको पेमेंट करनी है ना। कुछ पेमेंट उसने अपफ्रंट कर दी कैश की फॉर्म में, कुछ पेमेंट वो शेयर्स की फॉर्म में कर रहा है, कुछ वो डेफर करके कह रहा है मैं 2 साल के बाद दूंगा। हमें तो टोटल पेमेंट को अकाउंट फॉर करना है ना। हमें सही सर, जब गुडविल निकालनी होगी और बैलेंस शीट बनाने के लिए मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढूंगा, तो पेरेंट ने उसको रिकॉर्ड किया है वेल एंड गुड, उसकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में होगा। नहीं रिकॉर्ड किया तो मैं रिकॉर्ड करके कैलकुलेट करूंगा। मुझे तो टोटल चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे उसने रिकॉर्ड की हो या ना की। ठीक है सर। ठीक है, यानी कि ये कुछ अमाउंट बकिया रह गई, तो उसने कहा कि मैं 2 साल बाद दूंगा, 1 साल बाद दूंगा। ये तो अल्टीमेटली एग्रीमेंट करते वक्त ही प्लान में होता है कि हम सही, आपको ऐसे खरीद रहे हैं, आज आपको इतना देंगे और 3, 4, 5 साल के बाद इतना देंगे। एग्री करते हैं, एग्री करेंगे तो आगे कहानी बढ़ेगी, अगर वो एग्री नहीं करते तो डील कैसे होगी? तो ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन है, ये पार्ट एंड पार्सल है कॉन्सोलिडेटेड और मर्जर्स वगैरह जब होते हैं कंपनी के, तो ये होता है नॉर्मली। ठीक है ये सर। दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है पेरेंट सब्सिडरी के, कि वो किस पे डील साइन करते हैं। हमें पांचों मेथड बता दिए गए कि कैश कंसिडरेशन हो सकती है 100%, जो कि प्रैक्टिकली होती नहीं है। प्रैक्टिकली मिक्स ऑफ होता है, कैश प्लस शेयर एक्सचेंज प्लस डेफर्ड कंबाइन करके बताया जाता है कि जी इस तरह से आपको वैल्यूएशन करनी है। अगला स्टेप हमारा सबसे जानदार स्टेप, सबसे खतरनाक, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडी। अच्छा, F3 के लेवल पे ना बड़ा सिंपल होता था, इसमें कुछ चीजें छोड़ दी थी वहां पर। यहाँ पर अब सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी। हम निकालेंगे जिस डेट के ऊपर हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया, यानी कि एक्विजिशन पे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना हम हमें ज़रूरत तो एक्विजिशन की है, लेकिन हम टू कॉलम अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। नेट एसेट एट एक्विजिशन निकालेंगे बैलेंस शीट के लिए ना, जो हम बैलेंस शीट से स्टार्ट कर रहे हैं एक्विजिशन, और साथ एक और वर्किंग कर लेंगे जो हम आगे काम आएगी हमें, नेट एसेट एट रिपोर्टिंग डेट। जिस डेट के ऊपर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करेंगे, अगर 1 साल बाद बना रहे हैं या 2 साल बाद बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो रिपोर्टिंग डेट पे भी साथ साथ निकाल लेंगे। जो नेट एसेट एट एक्विजिशन है ना, ये कॉलम मुझे गुडविल के लिए चाहिए बस, लेकिन ये जो बराबर वाला कॉलम है इसकी भी मुझे आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है, तो मैंने एक साथ ही हमेशा इसको रखना है। अब नेट एसेट का मतलब क्या होता है, सब्सिडरी का नेट एसेट क्या होता है? उसकी इक्विटी। इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट। तो मैं नेट एसेट निकालने के लिए सब्सिडरी की इक्विटी वर्कआउट करता हूँ। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी ये मैंने लिया, ये तो चेंज ही नहीं होगा, दोनों सेम रखेगा वो एग्जाम में हमेशा। शेयर प्रीमियम ये अक्सर दिया हुआ नहीं होता, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम,
अच्छा, रिटेन अर्निंग, इसमें प्रॉब्लम आती है। रिटेन अर्निंग हमें चाहिए एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट, अक्सर ये गिवन होती है इजीली। ये वाली जो डेट है ना, ये है बहुत बड़ा चैलेंज, ये अक्सर गिवन नहीं होता। ये निकालें रिटेन अर्निंग आपके पास कितनी है, ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी सब्सिडियरी की। चले फाइंड आउट कर लिया, सपोज गिवन है, ये आ गए उसके नेट एसेट एट एक्विजिशन और एट रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, ये जो नेट एसेट्स हमने निकाले ना, ये उसकी बैलेंस शीट से निकले, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में, शेयर प्रीमियम बैलेंस शीट में, रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट में। तो ये जो नेट एसेट्स आए ना, ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट है, ये फेयर वैल्यू को ही है। ये क्या है, ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट। हम F3 के पेपर में ये अजम्पशन लेते थे कि बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, लेकिन ये अजम्पशन F7 में नहीं लेते। F7 में वो आपको बताएगा कि सब्सिडरी के नेट एसेट की बुक वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू के बराबर ही है, लेकिन वो दो तीन आइटम की फेयर वैल्यू चेंज कर देगा। तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, हम उसे यहाँ पर डालेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के नाम से। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के नाम से इसमें हम एडजस्ट करेंगे, ताकि उसकी जो नेट एसेट है वो अप टू डेट हो जाए और बुक वैल्यू से शिफ्ट होके फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू आ जाए। अब ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वो टेंजिबल एसेट की भी दे सकता है, इनटेंजिबल एसेट की भी दे सकता है, करंट एसेट्स की भी दे सकता है, और अगर चाहे तो लाइबिलिटी की भी दे सकता है, डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट भी दे सकता है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर आएगा। मसलन उसने कहा कि सब्सिडरी के पास एक बिल्डिंग है जिसकी फेयर वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से एक्सीड हो रही है बाय 500,000। हमने कहा बिल्डिंग की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 500,000 यहाँ ऐड किया, 500,000 यहाँ ऐड किया, ताकि उसके नेट एसेट्स जो हैं वो आ जाएं फेयर वैल्यू के ऊपर। अच्छा, ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में इंक्रीज भी आ सकता है और डिक्रीज भी आ सकता है, हमें सवाल में देखना पड़ेगा कि इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। इंक्रीज आएगा तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज आएगा तो माइनस कर देंगे। अच्छा, अब क्योंकि बिल्डिंग जो है वो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन होती है, तो जब हमने उसके एसेट की वैल्यू राइज कर दी, तो ये बात हमने पढ़ी भी ना कि एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। तो एक्विजिशन पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, पोस्ट पीरियड में इसका डेप्रिसिएशन भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्ट। अब जैसे लैंड की एडजस्टमेंट हुई, तो लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं है, बिल्डिंग की हुई, प्लांट की हुई, इंटेंजिबल एसेट की हुई, तो वो हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज दफ़ा ये होता है कि सब्सिडरी के पास कोई इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम। अब ये तो खैर मैंने यहाँ कंक्लूड कर लिया कि ये नेट एसेट की फेयर वैल्यू अपडेट हो गई, ये एक्विजिशन पे आ गई और ये रिपोर्टिंग डेट पर आ गई, ये तो यहाँ पर खत्म हो गया, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डन। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल मसला ये आता है कि सब्सिडरी के पास एक इंटेंजिबल एसेट पड़ा हुआ है, और वो इंटेंजिबल एसेट है उसका ब्रांड नेम। अब हमने IAS 38 में ये पढ़ा है कि जो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम होता है उसको तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। क्यों रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि उसकी वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं होती। तो क्या हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स में ये जो ब्रांड उसके पास मौजूद है वो उसकी बैलेंस शीट में तो नहीं आ रहा, क्या हम छोड़ दें? तो ग्रुप अकाउंटिंग में थोड़ा सा रूल चेंज है। नहीं सर, ग्रुप अकाउंटिंग में हम इसको रिकग्नाइज करेंगे, इसको भी रिकग्नाइज करेंगे, प्रोवाइडेड दैट इसकी वैल्यू हमें पता हो, और ये वैल्यू पता लग जाती है, बार्गेनिंग हो रही है ना, तो वैल्यू पता लग जाती है। सब्सिडरी बोलेगा भाई मेरी बैलेंस शीट में ब्रांड इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि IAS 38 मुझे अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ब्रांड की वैल्यू तो है। बोलेंगे लगाओ वैल्यू कितनी है, कहेगा 5 मिलियन वैल्यू है, बार्गेनिंग करके वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। तो हम नेट एसेट्स के अंदर सब्सिडरी के वो एसेट तो लेंगे ही लेंगे जो उसकी बैलेंस शीट में आ रहे हैं, वो भी लेंगे जो किसी वजह से उसकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में रिकग्नाइज नहीं हो रहे, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम, या फिर एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी पड़ी हुई है उसके पास
जो कि डिस्क्लोजर में पड़ेगी। अब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दी ना ब्रांड की, ब्रांड जो है ना ब्रांड, वो IS-38 मना करता है ना ब्रांड को, अच्छा ब्रांड नेम को तो IS-38 मना कर रहा था ना कि इंटरनली जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा यहाँ पर जो आपके पास कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आ रही है ना, उस कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को रिकग्नाइज करने से हमें मना करता IS-37। वो कह रहा है भाई इसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते आप, इसको तो आप उठाते डिस्क्लोजर में डालेंगे। लेकिन जब पेरेंट इसको खरीद रहा है तो पेरेंट कह रहा है क्या, तुम्हारे तो पास तो एक कोर्ट केस हुआ हुआ है, वो कोर्ट केस मटेरियलाइज हो गया तो हम क्या करेंगे, पे ऑफ तो हमें करना पड़ेगा। वो कहेगा अगर इसकी वैल्यू रिलायबली मेजर हो रही है तो वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को भी क्या करेगा, नेट एसेट की कैलकुलेशन में लेकर आएगा, रिकग्नाइज करेगा। तो हर वो चीज जो सब्सिडरी के पास मौजूद हो वो तो आएगी फेयर वैल्यू पे, जो नहीं मौजूद होगी और रिलायबली उसके ऊपर एक वैल्यू प्लेस की जा सकती होगी तो वैल्यू भी हमें सवाल में दी हुई होगी कि उसके पास एक इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, जो भी चीज उसकी नहीं होगी वो हम भी उठाकर हम रिकग्नाइज करके अपने साथ मिला लेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर, अब जो सवाल अभी हम कर रहे थे ना, उसी सवाल के अंदर इस तरह के नेट एसेट्स की इंफॉर्मेशन दी है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन दी है इसी सवाल में। देखें इस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडी वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट। यहाँ तो उसने कह दिया कोई डिफरेंस नहीं है, विद द एक्सेप्शन ऑफ टू आइटम, ऐसे ही वो बताएगा कोई दो तीन आइटम जिसमें एक्सेप्शन होंगे और वो कहलाएंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। एन आइटम ऑफ प्लांट हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 1.8 मिलियन अबव इट्स कैरिंग अमाउंट, ये अपलिफ्ट हो गए, ये फेयर वैल्यू अपलिफ्ट हो गई, यानी कि वैल्यू बढ़ानी है बाय 1800। लेकिन क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट है तो वो लाइफ भी बताएगा कितनी बाकी बच गई है, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज 3 ईयर्स, प्लांट की रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, तो हम 1 साल का डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे, जितना भी डेप्रिसिएशन हमें निकालना होगा एक्विजिशन पे और बैलेंस शीट डेट के ऊपर वो भी निकालेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट ये हो गई एडजस्टमेंट नंबर वन। दूसरी एडजस्टमेंट, सब्सिडरी हैड अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अब ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी सब्सिडरी रिकॉर्ड तो कभी कर ही नहीं सकता ना, ये सूरत नहीं कर सकता IS-37 की वजह से, लेकिन पेरेंट ने उसके ऊपर एक वैल्यू प्लेस कर दी कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 4,50,000 एक्विजिशन के ऊपर, और बैलेंस शीट डेट के ऊपर भी वो वैल्यू उतनी ही है, तो लाइबिलिटी भी कितनी रिकॉर्ड करें। और सब्सिडरी ने ये जो फेयर वैल्यू चेंजेस है ना, ये अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो कौन करेगा रिकॉर्ड, ये हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हम उसके नेट एसेट्स के अंदर उसकी प्लांट की अपलिफ्ट डालेंगे और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को भी शो करेंगे, तो फिर हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट आ जाएगा। ये हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जब जाएंगे तो हमें हर सवाल में ये सारे स्टेप्स करने का मौका मिलेगा। अब फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, और वो है गुडविल कैलकुलेट करना। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड हो सकते हैं हमारे पास, या तो हमें सवाल में कहा जाएगा फुल गुडविल मेथड इस्तेमाल करें, या हमें सवाल में कहा जाएगा प्रोपोर्शनेट मेथड इस्तेमाल करें। ज्यादातर फुल गुडविल मेथड के चांसेस होते हैं, पार्शल गुडविल मेथड इस्तेमाल करें। तो गुडविल फर्स्ट, फुल गुडविल मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मेट F3 के अंदर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, वही फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी हो रहा है, फुल गुडविल मेथड। सबसे पहले हम लेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टेप नंबर टू में हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मौजूद होगी जो हम निकाल चुके होंगे, उसके अंदर हम प्लस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन, नहीं दी भी होगी तो कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता दिया, वो ऐड कर लिया, ये 100% इन्वेस्टमेंट हो गई पेरेंट प्लस NCI की। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन जो हम टू कॉलम में निकाला है, उसका पहला कॉलम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन,
ये इसमें से डिडक्ट कर देंगे। अगर सरप्लस बचा तो पॉजिटिव गुडविल, अगर आंसर नेगेटिव आया तो नेगेटिव गुडविल। ठीक है, तो गुडविल जो हमारी एक्विजिशन पे आएगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव रेपुटेशन वाली कंपनी को एक्वायर करेंगे तो पॉजिटिव गुडविल होगी, लेकिन अगर लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करेंगे तो इट माइट टर्न टू बी अ नेगेटिव गुडविल। एग्जाम में अगर कभी नेगेटिव गुडविल आ जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, 6 लाख डॉलर हमने इन्वेस्टमेंट की, 2 लाख डॉलर की एनसीआई की इन्वेस्टमेंट है, टोटल 8 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई, और यहाँ पर जो नेट एसेट थे वो 9 लाख डॉलर के थे, तो आंसर माइनस में आ गया। माइनस में आंसर आया इसका मतलब ये नेगेटिव गुडविल हो गई। तो नेगेटिव गुडविल अगर आ जाए, इन केस वैसे तो आएगी नहीं, आती नहीं है नॉर्मली क्वेश्चन में, लेकिन कभी भी अगर नेगेटिव गुडविल आ जाए इन केस, तो हम उसे डाउटफुल देखेंगे, हम उसे कहेंगे नहीं ये तो गलती हो गई मुझसे, लेट मी चेक माई वैल्यूज अगेन। आप अपनी वैल्यूज को दोबारा चेक करेंगे, अब वैल्यूज चेक करने के बाद दोबारा अगर वही आंसर आ रहा है तो फिर हम कहेंगे ठीक है आ सकती है, कौन सी बड़ी बात है, जब पॉजिटिव गुडविल आ सकती है तो नेगेटिव गुडविल भी आ सकती है, इसमें कोई हर्डल वाली बात, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं। अब बात होती है, चलें ठीक है ये फॉर्मेट तो मैं बना लूंगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है मेरे पास, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन भी है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन भी है, निकल आई गुडविल पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गुडविल का, तो अगर पॉजिटिव गुडविल आएगी तो इसको कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा, याद रहे कॉन्सोलिडेटेड, इंडिविजुअल में नहीं, गुडविल कभी भी इंडिविजुअल कंपनी में नहीं आ सकती। और अगर ये नेगेटिव गुडविल आ गई तो ये बैलेंस शीट में जाएगी नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट होगी, यानी कि हमने एक कंपनी को की वैल्यू ज़्यादा थी कम प्राइस के अंदर खरीद लिया, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे अदर इनकम में डाल देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में जाके कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनकम ऐड कर देंगे, और इसकी अकाउंटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी नेगेटिव गुडविल। लेकिन अगर हमने पॉजिटिव गुडविल डेवलप की तो ये तो इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट सब्जेक्ट टू या तो क्या होता है, या तो उसकी अमोर्टाइजेशन होगी या फिर उसकी इम्पेयरमेंट होगी, और हम ये IAS 36 में पढ़ चुके हैं कि गुडविल की इम्पेयरमेंट होती है, एनुअल इम्पेयरमेंट होती है। अच्छा, गुडविल की अमोर्टाइजेशन नहीं होती, गुडविल की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है, हर साल ईयर एंड के ऊपर इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है अंडर IAS 36, लेकिन इसकी अमोर्टाइजेशन क्यों नहीं होती, इसकी अमोर्टाइजेशन इसलिए नहीं होती कि किसकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ होती है, और जिन एसेट्स की इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ होती है वो एसेट अमोर्टाइज नहीं होते उस वक्त तक जब तक उसकी लाइफ डिफाइन ना हो जाए, तब तक वो अमोर्टाइज नहीं होती, लेकिन ऐसे तमाम एसेट्स लाजमी हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, और अगर गुडविल इम्पेयर्ड हो गई तो इम्पेयरमेंट की फिर अकाउंटिंग एंट्री पास की जाएगी कि वो इम्पेयरमेंट। अब क्योंकि फुल गुडविल मेथड है तो गुडविल बिलोंग्स टू पेरेंट एंड एनसीआई, दोनों की गुडविल है, वो कहेगा इतना हिस्सा मेरा, वो कहेगा इतना हिस्सा मेरा, तो इम्पेयरमेंट भी दोनों की होगी, तो अगर इम्पेयरमेंट होगी तो इम्पेयरमेंट लॉस का इम्पैक्ट भी दोनों बेयर करेंगे। कैसे बेयर करेंगे, कुछ पेरेंट बेयर करेगा और कुछ एनसीआई बेयर करेगा, कुछ लॉस हम पेरेंट को डालेंगे और कुछ लॉस हम एनसीआई को डालेंगे, और इसकी एंट्री जो बनेगी तो एंट्री में हम पेरेंट का जो अफेक्ट है वो कॉन्सोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में डाल देंगे, एनसीए का अफेक्ट एनसीआई डेबिट करके एनसीआई में डाल देंगे, और जितनी गुडविल में इम्पेयरमेंट होगी गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब मैंने गुडविल की इम्पेयरमेंट एनसीआई पे चार्ज क्यों की, क्योंकि फुल गुडविल मेथड है, जब शो में टोटल गुडविल करूंगा तो फिर इम्पेयरमेंट भी चार्ज करूंगा, और पार्शियल गुडविल मेथड में ऐसा नहीं होता, पार्शियल गुडविल मेथड में हम पेरेंट की गुडविल शो करते हैं तो इम्पेयरमेंट भी पेरेंट के खाते में चार्ज करते हैं जितना उसका शेयर होता है, ये फर्क है पार्शियल गुडविल मेथड में और फुल गुडविल मेथड में। अभी हम फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, अभी हम फोकस कर रहे हैं फुल गुडविल मेथड, पार्शियल गुडविल आगे जाके इसके साथ हम कनेक्ट कर लेंगे जब क्वेश्चन में कोई पार्शियल गुडविल का केस आया तो।
ये मेरे 5 स्टेप्स यहाँ पे पूरे हो गए। ग्रुप स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के 5 हिस्से, उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, और उसके बाद फिर आ गई हमारी यहाँ पर गुडविल।